हेलो एंड वेलकम टू ओपेरिनिस्टिक। मध्य प्रदेश जी के ऑब्जेक्टिव टेस्ट 20 में आपका स्वागत है। इससे पहले 19 ऑब्जेक्टिव टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो कृपया जरूर देख लीजिएगा। हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे फेसबुक पेज facebook.com/operinistic को भी कृपया लाइक करिएगा। तो आइए आज हम लोग करेंगे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ूंगा, कुछ देर के लिए रुकूंगा और इतनी देर में आपको अपना जवाब देना है। उसके बाद मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा। आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बंदर कूदनी इज सिचुएटेड एट। बंदर कूदनी ये एक स्थल का नाम है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भेड़ाघाट, पावागिरी, मांडू या पचमढ़ी। सही जवाब है भेड़ाघाट। बंदर कूदनी एक ऊंची जगह है जहां से पानी में बंदर कूदा करते थे, इसलिए उसका नाम बंदर कूदनी रख दिया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है, नर्मदा नदी के तट पे बसी हुई, जिसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक भी जाते हैं। तो ये भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, चचाई फॉल्स आर ऑन द रिवर। चचाई फॉल्स, चचाई झरना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है पार्वती, चंबल, क्षिप्रा या बीहड़। इसका सही जवाब है बीहड़ नदी। तो चचाई झरना जो है वो बीहड़ नदी पे स्थित है, जो कि रीवा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 3, हाइट ऑफ चचाई फॉल्स इज। चचाई झरने की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शंस हैं 110 मीटर, 120 मीटर, 130 मीटर या 140 मीटर। इसका सही जवाब है 130 मीटर। चचाई झरना जो है, चचाई फॉल्स 130 मीटर ऊंचा है और यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। क्वेश्चन नंबर 4, जहाज महल इज सिचुएटेड इन। जहाज महल कहां पर स्थित है? ऑप्शन है मांडू, रीवा, गाडरवाड़ा या उज्जैन। इसका सही जवाब है मांडू। जहाज महल एक बहुत ही सुंदर महल है जिसमें पानी की इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी और ये नदी के जो तालाब बसाया गया था उस तालाब के बीचों बीच में इस महल को बनाया गया था और ये एक जहाज की तरह ही इसको प्लान किया गया था पूरा, इसलिए इसका नाम भी जहाज महल है। तो बहुत ही खूबसूरत महल है। मांडू जब आप जाएं तो जहाज महल जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, सोनागिरी जैन पिलग्रिमेज इज सिचुएटेड इन। सोनागिरी जैन तीर्थ कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं दतिया, भोपाल, इंदौर या देवास। सही जवाब है दतिया। सोनागिरी जैन पिलग्रिमेज ये दतिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, टेंपल फेमस फॉर आर्ट ऑन ग्लास पैनल्स इज। कांच पर किए गए कारीगरी के लिए कौन सा मंदिर फेमस है, कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं सास बहु मंदिर ग्वालियर, कांच मंदिर इंदौर, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर या बटेश्वर मंदिर मुरैना। इसका सही जवाब है कांच मंदिर इंदौर। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि शीशे या कांच पे की गई कारीगरी के लिए ये मंदिर प्रसिद्ध होगा, नाम ही इसका कांच मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, इंदौर में स्थित है। कभी इंदौर आए तो कांच मंदिर जरूर एक बार देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, सबलगढ़ फोर्ट जो कि मुरैना में स्थित है, वॉज बिल्ट बाई। सबलगढ़ फोर्ट, सबलगढ़ महल किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन है सिंधियाज, परमार्स, मुगल्स या कलचूरीज। सही जवाब है सिंधियाज। सबलगढ़ का महल मुरैना में स्थित है और इसे सिंधिया राजाओं ने बनवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हरिहरेश्वर टेंपल इज सिचुएटेड इन। हरिहरेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आलमपुर, भिंड, कटनी, सिंगरौली या महू। सही जवाब है आलमपुर, जो कि भिंड जिले में स्थित है। हरिहरेश्वर टेंपल आलमपुर भिंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, नागदा या सीधी। सही जवाब है भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है जिसे भोपाल जाने के बाद जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम इज सिचुएटेड इन। मध्य प्रदेश में ट्राइबल म्यूजियम कहां पर स्थित है? ऑप्शंस हैं भोपाल, दमोह, जबलपुर या उमरिया। सही जवाब है भोपाल। ट्राइबल म्यूजियम आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। उम्मीद है आपने सभी के सही जवाब दिए होंगे। यदि आपके कोई आंसर गलत हुए हों तो आपको और ज़्यादा पढ़ाई करना चाहिए। आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।